ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को मैं सत्य कहता हूँ, धंधे की चोट पर कहता हूँ, उनके साथ अन्याय किया गया है, उनके साथ गलत किया गया है। ये सीपी जी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। आपने ये गलती सीपी ने पहले भी की थी, उपचुनाव में अपनी जीत करके बनो की जीत को भारी बहुमत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब चुनावी कार्यालय खुलने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ से दो बार से लगातार भाजपा के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की ओर से भाजपा की दूसरी सूची में नाम काटे जाने के बाद लगातार बगावती तेवर दिखाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज चंद्रभान आक्या के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जिले के सभी प्रमुख मठों के साधु संत के कर कमल से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। राजस्थान में कहीं से चुनाव लड़ सकती है, कहीं से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, कहीं से राज्यसभा चुनाव लड़ सकती है। इसलिए हम हाथ जोड़कर राज्यसभा से रिक्वेस्ट करते हैं, आपको अब हमारे पूजनीय है, पूजनीय भविष्य में रहेंगे, क्योंकि शेखावत साहब को आदर्श लेकर हमने नेतागिरी करना सीखी है। आप बाबू साहब भी हमारे आदर्श है, इसलिए हम राजू साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आपका हम विरोध नहीं करें। विरोध तो हम जब करेंगे जब हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आज हम आपका विरोध नहीं करें। मेरा तो आप सब लोगों से विनती है, प्रत्यक्ष नेतृत्व को मैं कहना चाहता हूँ, आप राजू साहब को जहाँ उचित आप समझे, राजू साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप जहाँ भी उनको सेट करना चाहे उनको आप सेट करें, और यहाँ की सीट जहाँ भी है वहाँ आप दिलवाए और हम चुनाव लड़ेंगे। और उसके अलावा भी जो भी जनता के लिए, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, कभी भी जनता के साथ कोई दगा नहीं करूंगा, और जनता के बिना पूछे। दूसरे दल भी मेरे को काफी मिले, दूसरे दलों में भी मेरी काफी बातें हुई, काफी बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आए, बड़े बड़े मंत्री मेरे पास आए, चित्तौड़ में साइलेंट बहुत सी जगह मेरे से मिले। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, वो बात भी मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के दल में किसी में भाग लेने से पहले, किसी में लेने से पहले मेरी जनता को इकट्ठी करके मैं बात करूंगा, वरना मेरा मन नहीं मानता है मैं किसी दल में दूसरे दल में जाऊंगा। और बता दूं मैं जाऊंगी बात कह दी, लेकिन मैं बड़ी सादगी से आता हूं, उसे मुझे भी इस बात को बड़ा दुख है, वास्तव में अंतर्दय से दुख है। चंद्रभान जी जो सदा सर्वदा धर्म के साथ खेलने वाले, धर्म क्या है, हर एक की सेवा करने वाले, पर धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सम नहीं धर्म आई, और हाँ मैं सत्य कहता हूँ, धंधे की चोट पर कहता हूँ, उनके साथ अन्याय किया गया है, उनके साथ गलत किया गया है, और गलत पर तो बोला जाएगा। यद्यपि जिसने भी गलत किया हो सकता है, आप पार्टी पॉलिटिक्स से बंधे हुए, आप वोटर न वोट पाए, लेकिन हम वोटर के बोलने की क्षमता रखते हैं। ये सीपी जी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, लहरों में उठकर तो कोई भी आसमान
है, जमीन पर परिश्रम करके